देखिए ये देखिए 4x4 हाई, ठीक है ठीक है, ये हो गया 4x4 लो लो। अब हम लोग क्योंकि नीचे जाएंगे, व्यूअर से पूछ लेते हैं, भैया बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लो उतर गई, 4x4 की भी मज़ा आपने ले लिया। हम सो गाइस, ये रही हमारी महिंद्रा थार और ये है हमारी सबकी जान। आज हम इस महिंद्रा थार के बारे में बताएंगे, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और भाई इसकी लुक्स के बारे में बताएंगे। और ये है भाई हार्ड टॉप, तो हार्ड टॉप के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है और ये चलती कैसी है, सारे कुछ आज हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं सौभिक भाई से। सौभिक भाई कैसे हो? बस ठीक है, आप कैसे? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस न्यू थार के लिए। थैंक यू। तो हम ओवरऑल जानेंगे इस थार के बारे में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने कब खरीदा था? 2021 में खरीदा था आपने, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हम जानेंगे सौभिक भाई का। ये जो गाड़ी है ना, ये एक ऐसा गाड़ी है मतलब ये इस रेंज का एक ट्रू 4x4 है। 4x4 है इस रेंज में, आपको 4x4 और कोई कंपनी नहीं देती है। और कोई कंपनी नहीं देती। हाँ। मतलब ऐसा क्या है जो आपको बहुत ही लाजवाब लगा इस थार में? क्योंकि देखो बहुत लोग थार का कंप्लेन भी कर रहे हैं ना कि थार का भी एक फैमिली कार हो ही नहीं सकता। फैमिली कार हो ही नहीं सकता जिनके लिए जो लोग कभी ढूंढते हैं। मेरा घर का पहला गाड़ी थार है, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। थार एक ऐसा गाड़ी है कि आप कहीं पे घूमने जा रहे, कहीं पहाड़ में कहीं भी घूमने जा रहे दोस्त लोग के साथ, हाँ या किसी के साथ, तब ये लेके जाइए, मजा कीजिए, फन है। तो आपको मतलब आप सिर्फ एक मजे के लिए मतलब 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक खर्च कर क्यों करेंगे भाई, आप ये बताओ जरा। क्योंकि आप एक चीज बोलिए ना, एक ट्रू 4x4 एक 4x4 गाड़ी आपको अगर लेना है, आपको एक 15 लाख के रेंज में आपको और क्या गाड़ी मिलती है? और कोई गाड़ी है? आज आप एक फॉर्च्यूनर लेने जाइए, आपको नियर अबाउट 50 लैक्स का आता है, ठीक है? वो तो है। आप एंडेवर लेने जाइए, वही रेंज का आता है। आप ब्लॉस्टर लेने जाइए, आप कोई भी गाड़ी रेंज में आती है। आज बिलो 20 लैक्स, बिलो 20 लैक्स एक ट्रू 4x4 यही एकमात्र गाड़ी है। अच्छा, मतलब आप बोल सकते हो इसको एकदम 4x4 के लिए एकदम प्रॉपर 4x4, आप कहीं भी इसको लेके चले जाइए, कहीं भी लेके चले, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? आप पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में आपको मजा आया? हाँ, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा, एकदम मस्त गाड़ी है। मस्त गाड़ी है, हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। अच्छा, तो अब जरा बताओ कि इसमें आपने क्या क्या एक्स्ट्रा फिटिंग करवाया है? ये तो जान लिए कि आपने कहा कि ये फैमिली कार तो कभी बनी नहीं सकती, ये है एकदम ट्रू भाई 4x4 लवर्स के लिए। हाँ, जो एकदम भाई खुल घर, खुल के जीना चाहते हैं। मतलब अपने चार दोस्त ले बैठो और कहीं भी और चल दो, चल दो भाई एकदम लॉन्ग टूर में। हाँ, और कहीं टेंशन नहीं है भाई, पानी की हो, कहीं पहाड़ की हो, कुछ भी टेंशन नहीं। कोई भी जगह आप चले जाइए, ये गाड़ी एकदम मस्त जाएगी, मस्त ड्राइविंग प्लेजर है भाई। और भाई उसके ऊपर और जरा बताओ कि एक्स्ट्रा फिटिंग क्या क्या है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप एकदम वो हाइप दिखाइए जरा कि रोड में कैसा एक क्यों नहीं सर, और ये एकदम एक्सपीरियंस कैसा है, स्टीयरिंग की कंट्रोल्स कैसी रहती है सौभिक भाई की, ये सब हम चेक करते हैं, आपको सब दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और 4x4 तो यहाँ पे आप दिखा पाओगे क्या इसको यूज करके? 4x4 आसपास में ऑप्शन है आपके सब पास? दिखा देंगे आपको। चलो तो ये भी हम आज हम जानेंगे। हमारे आपका नाम क्या है भैया? नाम विश्वजीत देवनाथ। तो विश्वजीत देवनाथ है हमारे सब्सक्राइबर है और भैया तब से देख रहे थे, तो वो टाइम से देख रहे थे। हाँ, बताइए कैसा लगता है आपको वीडियो वगैरह हमारा? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? चलो भाई, तो भैया इस्लामपुर में रहते हैं ना? हाँ, इस्लामपुर में रहते हैं। चलो, आपको वीडियो हम बहुत दिन से देखते हैं, सेकंड हैंड कार वाला। अच्छा, रीचि मोटर्स ऐसे ही। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो भैया फोटो लेंगे, एक बार ले लीजिए। कुछ काम के लिए आए भैया? जी, काम के लिए आए। एक सेल्फी उठाइए। बिल्कुल, सेल्फी उठा देते हैं। आ रहे हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं सौभिक भाई की एक्सपीरियंस को। सब्सक्राइबर आ गए थे हमारे, तो चलिए। नहीं, पहले 2x2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2x4 से तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, 4x4 या 2? देखिए, पहले आपको नॉर्मली दिखाते हैं कि नॉर्मली इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। कितना अच्छा है भाई, ये देखिए। देखिए गाड़ी का इनिशियल टॉर्क से लेके सब कुछ भाई जबरदस्त। क्या बात है भाई। हाँ, ये
गाड़ी जो है ना लाजवाब है, लाजवाब है आपके लिए ना, जैसा कि आपने कहा ये ट्रू एकदम जो लवर है ना भाई, इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। वैसे फॉर्चूनर का क्या जवाब कहेंगे आप? तो ये फॉर्चूनर हो गया अलग लेवल का गाड़ी, उसको भी दिखाते हैं, आपके पास वो भी है? हाँ, उसके बारे में भी हम जानेंगे एक वीडियो में, फॉर्चूनर भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल तो ये जो फील दे रही है ना, ये अलग, ओ क्या कटिंग मार रहे हैं आप। चलिए थोड़ा रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। चलो मैं रिफ्यूलिंग कर लेते थोड़ी सी पंप में, और यहाँ भी एक बार एक्सपीरियंस पूछेंगे। कितने लीटर की टंकी है और आप कितना फुल टैंक, मतलब मैं कितने दूर तक जा सकते हो इसमें? देखिए आप अगर इसके, आप अगर थार लेके खोजते हैं कि आपको माइलेज मिलेगा, हाँ। तो फिर आप एकदम गलत है। जो थार लेते हैं उनको माइलेज नहीं देखना होता है, नहीं देखना। फिर भी उस हिसाब से एवरेज में 9 से 10 के बीच में माइलेज आता है। अच्छा। जो कि इज अ वेरी गुड माइलेज फॉर थार। तो आप कहना चाहते हो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही लेगा? हाँ, अगर आप, आपके घर कोई नॉर्मल आपके क्लास को अफोर्ड कर पाएगा क्या इसे? देखिए वो अफोर्ड तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, आजकल लोन चल रही है भाई। हाँ, तो एक बात ऐसा है कि आपको जो है ना, अगर लेना है गाड़ी तो आप कोई भी गाड़ी ले लोगे, कोई भी गाड़ी ले लो। लेकिन थार एक ऐसा गाड़ी है कि आपके घर में 2-3 गाड़ी पहले से है जो कि रेगुलर यूज के लिए है, आप अभी ये ले रहे हैं कि आपका शौक है। बिल्कुल। अब ये बताओ कितना चला लियो, ड्रिवन कितना है? मेरा अभी 28,900 आपने चला लिया, तो मैं काफ़ी अच्छा चलाया भाई ने, और मतलब मुझे लगता है कि सच में इनको प्यार है इससे। वो तो है, क्योंकि भाई मैक्सिमम जो पेट्रोल गाड़ी जो होती है ना थार, मैं देखता हूँ 10,000-8,000 में लोग बेच देते हैं। आपने पूरा भरपूर इसका फ़ायदा उठाया एकदम, गाड़ी में एक्स्ट्रा फिटिंग्स का ये किया हुआ है बहुत ज़्यादा है। वो हम आपको कोई सामने पेड़ वगैरह आएगी ना तो अच्छे से लाइट दिखाते हैं। एक्स्ट्रा फिटिंग के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं किया भाई, उसको छोड़ ही दो। गाड़ी का हेडलैम्प अभी सिर्फ, हाँ अभी सिर्फ अंदर की और मतलब इन स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात हो रही है कि कैसा इनको, और देखिए अंदर बैठ के भी कितना एक अच्छा वाइब आ रहा है कि, और यहाँ से आपको पूरा एकदम एक सारा का सारा व्यू दिखता है, पूरा व्यू भाई। ये देखो बोनेट दिख गई, मतलब भाई सब कुछ दिख गई, क्योंकि जहाँ बोनेट नहीं दिखती वहाँ लगता है आइडियाज पे गाड़ी चलती है। exactly. बट यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कितना है भाई, कौन सी गाड़ी कहाँ से आप कट मार सकते हो, इसलिए तो अभी भाई आराम से कट मार रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा रिफ्यूलिंग कर लेते हैं गाड़ी को, आपसे मिलते हैं। तो रिफ्यूलिंग हो गई? हाँ जी हो गई। अब चलते हैं, आप चलिए। बिल्कुल एक बार स्टॉप करिए, एक बार व्यूअर से पूछ लेते हैं। भैया बहुत ध्यान से देख रहे हैं दादा, पसंद कैसा लग रहा है थार आपको? मस्त लग रहा है ना? तो भाई देखो एक्सपीरियंस, हाँ कलर बहुत अच्छा है ना। चलो भाई रेड कलर यानी लोगों को पसंद आती है, तो रेड कलर आपने क्यों इसलिए चूज़ किया? क्या लोगों को पसंद आती है? लोगों को पसंद आती है, गाड़ी भी बहुत ब्राइट है। हाँ देखिए ब्लैक तो आपको सबके पास मिल जाएगी जी, ब्लैक राइट। मैं ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक लवर्स बहुत है थार के। आपने रेड लिया, ये एक अलग यूनिक था, इसलिए वो भैया ने भी बोला कि रेड है अच्छा। हाँ, लग रहा है ये, क्योंकि वो कॉमन हो गया होगा शायद देख देख के। ब्लैक तो आपको सबके पास मिल जाएगा, सबके पास मिल जाएगा। अभी आपका 4x2 में आप अगर आप लेते हैं थार, अभी ये नया 4x2 में भी आया है। अच्छा, तो 4x2 में एक यूनिक कलर आया है, व्हाइट आया है, कॉपर आया है, ये सब अच्छा है। अच्छा, ये सब कलर भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब 4x4 में तो है नहीं, है नहीं। और हम लोग का टाइम जो था नहीं, जब हम लिए थे जी जी, तब रेड था, ब्लैक था, इससे वो आपका। तो सोबिक भाई अब हम मेन जो है वो चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 4x4 हाई, ठीक है ठीक है, ये हो गया 4x4 लो। अब हम लोग क्योंकि नीचे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बार स्टीप दिखा दीजिए, ये देखिए भाई कितनी नीचे है, ये देखो यहाँ से तो आपको समझ नहीं आएगी, बट एक और कैमरा यूज़ हो रहा है तो उसमें आप देख पाओगे कितने नीचे जा रही है गाड़ी। क्या बात, यहाँ पे एक बार दिखाइए, ये देखिए लो उतर गई। 4x4 की भी मज़ा आपने ले लिया, हमने ले लिया, और आई होप आपने भी लिया होगा।
अब चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। बोलिए क्या क्या खर्च किया आपने इस एक्स्ट्रा? ये मैं म्यूजिक देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी हार्डी है, ये क्या इंक्लूडेड है क्या इसी में? ये इंक्लूडेड भी है, लेकिन मैंने इसके अंदर सारा बॉक्स वॉक्स चेंज करवाया है। चेंज कराया, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट बॉक्स वगैरह लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ बहुत सही। हाँ, उसके बाद लाइट्स, लाइट्स दिखाइए जरा। अच्छा, आपको एक फोटोज दिखाते हैं, उसमें लाइट्स समझ में आ जाएगी ना? वो फोटोज आप यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे चेक कर लो, देख लो, आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो कैसा यहाँ पे लाइट्स है? लाइट्स वगैरह सब चेंज किया हुआ है, ठीक है, बहुत से, मतलब नीचे में देखो फॉग लाइट जो है ना वो चेंज होते रह रही है। एक बार दिखाई दो, मैं नीचे उतरता हूँ। चलिए, सो गाइस अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर में भी लाइट्स वो जो है करे एक दो तीन चार, चार लाइट्स लगी हुई है येलो वाली, और यहाँ पे भी लाइट्स है। तो यहाँ पे जो फॉग लाइट्स है ना ये चेंज होते रहते हैं, ये अभी वाइट है और अभी देखो अलग कलर हो जाएगी। तो हमने देख लिया, और ये कौन सी इंजन में आती है? ये एमहॉक में आती है। एमहॉक इंजन आती है? हाँ जी, एमहॉक इंजन आती है, ठीक है, पेट्रोल, फर्स्ट क्लास गाड़ी, फर्स्ट क्लास गाड़ी है। चलो भाई, तो चलिए सभी भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी डिटेल्स को देने के लिए। चलिए, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अगले ब्लॉग में।